नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में ये काला दिन है। इस दिन भारत पर आतंक का काला साया मंडराया था। पाकिस्तान के कायर आतंकियों के एक हमले में भारत ने आज के दिन 2 साल पहले अपने 40 वीर जवानों को खो दिया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी से सीआरपीएफ जवानों की बसों को टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद बस में तेज विस्फोट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखर पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून, जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जाबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। फरवरी का महीना यूं तो साल का सबसे छोटा महीना होता है, लेकिन इस साल महीने में बनी यादें जिंदगी भर साथ रहती है। अपने साथ हल्की गुनगुनी धूप लेकर आने वाला ये महीना कई प्यार भरी कहानियों को भी साथ में लेकर आता है। वही आखिरकार साल भर प्रेमी जोड़े इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो घड़ी आ गई है जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए जान देने की कसमें खाते हैं और जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते हैं। वैलेंटाइन डे दो प्यार करने वालों के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन कपल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। बेजुबान प्रेम की भाषा को जुबान मिलती है, जो दो अधूरे सपनों को पूरा करती है। इतिहासकारों के मुताबिक ओरिया ऑफ जैकपोस किताब में वैलेंटाइन डे का जिक्र किया गया है। यह दिन रोम के पादरी संत वैलेंटाइन को समर्पित है। कहा जाता है कि 270 ईस्वी में एक संत वैलेंटाइन हुआ करते थे। वही उस समय वहाँ क्लाउडियस नामक अत्यंत आक्रमणकारी राजा का शासन था। वह प्रेम संबंधों के सख्त खिलाफ था। उसका मानना था कि एक अकेला सिपाही शादीशुदा सिपाही की तुलना में जंग के लिए ज्यादा उचित और प्रभावशाली होता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हमेशा अपनी पत्नी या प्रेमिका की चिंता सताती रहती है। यही कारण था कि राजा प्रेम विवाह और प्रेम संबंध के हमेशा खिलाफ रहता था। उसने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी विवाह नहीं करेगा और किसी महिला के साथ प्रेम संबंधों में नहीं रहेगा। जो भी राजा के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसे कड़ी सजा दी गई। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे, लेकिन राजा के इस आदेश का किसी ने उल्लंघन नहीं किया। वही रोम के संत वैलेंटाइन को सिपाहियों के साथ ये नाइंसाफी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए संत वैलेंटाइन ने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों की शादी करवाने लगे। जो भी सिपाही अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे, वो संत वैलेंटाइन के पास मदद मांगने जाते थे। इसी तरह वैलेंटाइन बहुत से सिपाहियों का गुप्त विवाह करवा चुके थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन के इस कार्य की खबर राजा को हो गई और उन्होंने संत वैलेंटाइन को जेल में बंद कर सजाए मौत सुना दी। जेल के चार दीवारों में बंद होने के बाद वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया, जिसका नाम स्टिलेश था। रोम के लोगों का कहना था कि उनके पास एक चमत्कारिक शक्ति थी, जिससे वह लोगों को रोग मुक्त कर सकते थे। जेलर को इसके बारे में पता चल गया और उसने अपनी अंधी बेटी को ठीक करने के लिए मिन्नत किया। संत वैलेंटाइन ने उसे ठीक कर दिया, लेकिन कोई भी उन्हें मौत की सजा से नहीं बचा पाया और 14 फरवरी के दिन उन्हें फांसी दे दी गई। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।